right now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, कुछ दिन पहले हमने FSC पार्ट 2 फिज़िक्स का गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किया और अल्हम्दुलिल्लाह 90% प्लस पेपर हमारा जो बोर्ड का पेपर था उन्हीं गेस्ट पेपर्स में से आया। लॉन्ग क्वेश्चन वही आए, शॉर्ट क्वेश्चन उन्हीं में से आए, तो बच्चे बड़े पुरजोश और बहुत ज़्यादा हमसे मैसेजेस पर कॉन्टैक्ट में थे कि सर 10th क्लास का गेस्ट पेपर भी शेयर कीजिए। तो आज मैं आपके साथ फिज़िक्स का 10th क्लास का गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूं। ये वो सवालात हैं, चाहे आपका ताल्लुक पंजाब के किसी भी बोर्ड से हो, आप ये सवालात जरूर करके जाएंगे। 120 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपने हर सूरत में प्रिपेयर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 35 इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल दाएं बाएं हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे। तो प्यारे बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। स्लाइड आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। सबसे पहला सवाल, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, आल्सो राइट इट्स 1 फीचर, 2 फीचर, 3 फीचर, इस तरह से सवाल पूछ सकता है। उर्दू में भी मैंने साथ में लिखा हुआ है ताकि उर्दू मीडियम बच्चे भी इन सवालों को फॉलो कर लें। और मेरे नोट्स भी आपको मिल सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आपको पूरी बुक के नोट्स स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक या सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और ये PDF फाइल में भी आपको जो हमारा ये गेस्ट पेपर है मिल सकता है। आप हमारे अबाउट में जाके अपने हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा सवाल, डिफाइन रीस्टोरिंग फोर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे ही अगर आप देखते जाएं तो दूसरी स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरी स्लाइड पर भी इसी तरह से कुछ सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन वेव मोशन। इनके सवालात, इन सवालात के आंसर्स मेरे नोट्स में गिवन हैं। व्हाट आर वेव्स, व्हाई साउंड इज कॉल्ड वेव कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, ये सवालात आपने हर सूरत में तैयार करने हैं अगर आप चाहते हैं पेपर में आपके फुल मार्क्स माशाल्लाह से आएँ। और इंशाल्लाह इस गेस्ट पेपर करने के बाद आपके पेपर में मार्क्स पूरे आ सकते हैं। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों स्कूल मेट्स के साथ ज़रूर आप इसे शेयर कीजिए। क्वेश्चन 18 देख लें, अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स, ये इस तरह से सवाल है। राइट डाउन 4 यूजेज ऑफ लेंसेज, ये सवाल है। 29th क्वेश्चन है, व्हेन वर्चुअल इमेज इज ऑब्टेन्ड बाय कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज कब बनाता है। तो थोड़ी बहुत स्टेटमेंट्स में थोड़ा दाएँ बाएँ कर सकता है, लेकिन इन जैसे ऐसे ही सवालात कल के पेपर में आने वाले हैं। जब भी आपका पेपर है फिजिक्स का पंजाब में, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, व्हाट इज मेंट बाय डाइलेक्ट्रिक, हाउ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स, व्हाट आर कैपेसिटर्स। तो इस तरह से ये 42 क्वेश्चंस आपको स्लाइड पे नजर आ रहे होंगे। 43rd है, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, डिफाइन EMF, हाउ मेनी वाट्स आवर इन 1000 जूल्स, डिफाइन किलो वाट आवर, ये सवालात। इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें तो डिफाइन EMF, हाउ मेनी कॉइल्स आर यूज्ड इन ट्रांसफार्मर, व्हाट इज़ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, व्हाट इज़ LDR, ये सवाल आता। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इन्हें नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे स्लाइड बाय स्लाइड चलते जाएँ तो राइट डिफरेंस बिटवीन DAC एंड ADC, नेम द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। ऐसे ही आगे चले, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्ड, डिफाइन चेन रिएक्शन, व्हाट इज मेंट बाय बैकग्राउंड रेडिएशन। तो ये स्लाइड्स आप देखते जाइए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सवाल आप पेपर में उतरने से पहले मस्त करके जाएं। फिजन और फ्यूजन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, 2 डिफरेंस आ सकते हैं। और इसी तरह से डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास आ सकता है, ये सवाल आप जरूर करके जाएंगे। तो इसके साथ आगे देखें अगर आप, तो वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे स्लाइड पे 89 से ऑनवर्ड्स, ये भी आप लोग मस्त करिए। फिर आगे बढ़ते हैं 102 पर, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डिफाइन लेंजेज ला, राइट डाउन 2 यूजेज ऑफ CRO, शो दैट 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 MJ। 114 से चलें आगे तो 123, यानी 123 सवाल हैं जो आप प्यारे बच्चों मस्त करके जाएंगे। उर्दू में हो सकता है थोड़ा सा मसला हो, उर्दू में मैं ट्रांसलेशन जब की है तो ट्रांसलेशन में थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं सवाल क्या होगा। डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, डिफाइन ट्रेसर्स एंड इट्स 2 यूजेस, ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। अब बारी है लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो पहले चैप्टर में 2 से 3 सवाल मैंने सेलेक्ट किए हैं, सेकंड चैप्टर में भी ऐसा ही है। तो डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रूव कीजिए इसकी मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक है। मैस अटैच विद स्प्रिंग की मोशन सिंपल हार्मोनिक है। न्यूमेरिकल मैंने मैंशन किया है साथ में, इससे आगे पीछे हो सकता है 1-2 न्यूमेरिकल और इस जैसे आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड न्यूमेरिकल के आने के हैं।
व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये सवाल है दूसरे चैप्टर में से। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है थर्ड चैप्टर में से। कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ये है, इसका बताइए लेंस कितनी दूर पड़ा है, कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन कीजिए। इसी तरह से आगे मूव करें, ओहम्स लॉ है, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, इट्स टू टाइप्स बताइए या इसकी टाइप्स बताइए, ये एक्सप्लेन करना है। नॉट ऑपरेशन है, नॉट गेट्स हैं, एक्सप्लेन करिए ये सवाल, राइट। फोर फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिफाइन वेव्स एंड शो दैट वेव्स आर कैरियर्स ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन इन डिटेल साउंड इंटेंसिटी लेवल, एक्सप्लेन इन डिटेल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कुल मिला के अगर आप स्क्रीन पर देखें 35 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। हाउ द हाउस सेफ्टी अलार्म वर्क्स, एक्सप्लेन ब्रीफली, एक्सप्लेन इन डिटेल न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन, व्हाट इज रेडियो आइसोटोप, राइट इट्स फोर यूजेज इन डिटेल, ये सवाल आपने पेपर में उतरने से पहले मस्ट करने हैं। इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, टाइम बहुत शॉर्ट है, तैयारी अपनी पक्की कीजिए, पूरे नंबर इंशाल्लाह।